हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू और अंडे से बनी हुई बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इसे आप चाहे तो शाम के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही पसंद आती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए हमने दो आलू ले लिया है, इसे हमने अच्छे से छील कर और धो लिया है। फिर हम इसे मीडियम साइज में इसे कट कर लेते हैं और इसे हमें बॉईल करना है। तो गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दी है और इसमें हमने एक कप पानी डाल दिया है। चलिए इसे हम ढककर कुछ देर के लिए उबाल लेते हैं, जब तक कि आलू अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, पानी भी सारा सूख चुका है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे हम गर्मा गर्म मैश कर लेते हैं। गर्मा गर्म मैश करने से क्या होगा कि आलू बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारा मैश हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डाल रहे हैं, और यहाँ पर डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती इसमें डाल देते हैं। और इन सभी को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं और इसे भी हम आलू के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं और फिर हाथों की मदद से देखिए इस तरीके से हमें रोल बना लेना है। और कांटे वाले चम्मच से हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं और इसे हम मीडियम साइज में इसे इस तरीके से कट कर दे रहे हैं। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम ले लेंगे एक अंडा और अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे यहाँ पर। और ये जो आलू वाले जो हम चॉप टाइप के बनाए हैं वो हम इसमें डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर इसमें अच्छे से ऊपर से इसे हम लगा देते हैं। और यहाँ पर ये ब्रेड क्रम है, उसमें हम अच्छे से ऊपर से इसे इस तरीके से हाथों से हम थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं और इस तरीके से हमें सारे को बनाकर तैयार कर लेना है। और ये सारे जब तैयार हो जाएंगे तो चलिए इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है गैस पर और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इस तरीके से हमें सारे को फ्राई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस रेसिपी को टमाटर केचप के साथ सर्व किए हैं। आप अपनी कोई भी मनपसंद चटनी के साथ इस नाश्ते को सर्व कर सकते हैं। ये गर्मा गर्म खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।